हाय एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। ये मेरा एसएपी सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम स्टडी नोट वन देखेंगे, जिसमें मैं कुछ बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक थ्री कोर्स एसएपी के मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मैं वन बाय वन सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो आप प्लीज आप इसको केयरफुली देखिएगा, बिकॉज एसएपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बीच से नहीं स्टार्ट कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता है वीडियो को स्किप कर ले, उसके बाद आप वीडियो देख ले, या फिर आप फर्स्ट वीडियो देखे बिना सेकंड वीडियो देख ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। आपको सारी वीडियो इन सीक्वेंस में देखना पड़ेगा, बिकॉज हर एक टी कोड एक दूसरे से लिंक होगा इस कंप्लीट सीरीज में। तो हर एक मोमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा अगर आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा होगा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, एंड मैं वन बाई वन कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करता हूँ। तो ये है मेरा एसएपी का एक्सेल जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो हम सबसे पहले कंपनी को डिफाइन करेंगे, क्योंकि एसएपी में कहीं भी जाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम टी कोड से जा सकते हैं, और दूसरा उसका पाथ होता है। पाथ से यहाँ पे मैंने पाथ भी मेंशन कर रखा है, तो आप पाथ को भी नोट डाउन कर सकते हो। आप पाथ से भी जा सकते हो या फिर टी कोड से भी जा सकते हो। तो मैं आपको दोनों से एक बार जाके दिखाता हूँ। सपोज जैसे अगर मुझे पाथ से जाना है, तो मुझे यहाँ पे स्पैरो करना होगा। स्पैरो जब मैं ओपन किया, तो यहाँ पे एसएपी रेफरेंस आईएमजी आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरप्राइज स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे डिफिनेशंस आ रहे हैं, फिर इस पर मैंने अपना एरो क्लिक किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गया। अब देखो यहाँ डिफाइन कंपनी आ गया। तो फर्स्ट तरीका तो ये हो गया। सेकेंड क्या है, मैं यहाँ से एक अलग सा एक मैं सेशन क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने एक न्यू सेशन क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं टी कोड डालूंगा, यहाँ पे जो आपको एक्सेल में मैंने टी कोड दिखाया था OX15। तो यहाँ पे मैं OX15 मैंने टी कोड को डाला। आप देख सकते हो मैं डायरेक्ट डिफाइन कंपनी में पहुंच गया, और यहाँ से भी मैं वही काम कर सकता हूँ। यहाँ पे जब मैंने डिफाइन कंपनी पे आप IMG एक्टिविटी पे जब आप क्लिक करोगे, तो सेम चीज यहाँ पे भी खुल जाएगा। अब देखो यहाँ पे डाटा लॉग दिखा रहा है। जब भी ऐसा डाटा लॉग दिखा है, तो आपको एक टी कोड चलाना पड़ेगा, जिससे ये डाटा जो आपका लॉक है, ऐसे एक विंडो खुल चुका है, लेकिन मैं कोई एंट्री या पोस्ट नहीं कर पाऊंगा और ना कुछ सेव कर पाऊंगा, बिकॉज मेरा डाटा किसी और ने लॉक कर दिया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे एक टी कोड चलाना पड़ेगा /N, क्योंकि /N का मतलब होता है फिर से हम मेन विंडो पे जा रहे हैं, एंड उसके बाद हम टी कोड हम यूज कर रहे हैं। SM12 एक टी कोड होता है, जिसको आप यूज करोगे। आप यहाँ से ये मैंने अपना डिलीट कर दिया, अपना यूजर आईडी मैंने डिलीट कर दिया, एंड मैंने इंटर कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है सारे डाटा लॉग, इसको मैंने कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट करके फिर मैंने डिलीट पे क्लिक किया, और ये सारे एंट्रीज को मैंने डिलीट कर दिया जो मेरी लॉक हो गई थी। आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन कोड SM12, ये लॉक एंट्री हैज बीन मैनुअली डिलीटेड। तो अब कोई लॉक एंट्री नहीं है। अब फिर से आपको अगर वहाँ पे जाना है, तो आप जस्ट यहाँ से बैक करो, डायरेक्ट ये बैक हो गया। आपको फिर से स्पायरो करना पड़ेगा। आप स्पायरो कर सकते हो, IMG एक्टिविटी पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ से हम इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे हम गए, डिफिनेशन पे गए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर हम गए, डिफाइन कंपनी को यहाँ पे एक्सक्लूड करें। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है, तो आप इस पर क्लिक करोगे, तो इसके बारे में बताएगा डिफाइन कंपनी क्या है, क्यों क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी इन रिटेन फॉर्म में। आप यहाँ से पढ़ सकते हो, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पहुँचा देगा, ठीक है। तो मैं इस पर भी क्लिक नहीं कर रहा। तो हम यहाँ से कंपनी आज हम एक पहले डिफाइन करते हैं। तो हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया, आप यहाँ से भी कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको यहाँ पे अलग एक विंडो दिखाया था, हम दोनों विंडो से कर सकते हैं। आप टी कोड से भी जा सकते हो और पाथ के थ्रू भी जा सकते हो। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन मैंने आपको दोनों से करके दिखा दिया, अगर आप टी कोड से जाना चाहते हो। अब देखो यहाँ पे ना हमें एक न्यू कंपनी बनाने पड़ेगा, बिकॉज जब आप जर्नल एंट्री पोस्ट करोगे, तो आप किसी कंपनी में करोगे, उसके लिए आपको सारे फाइनेंशियल पीरियड बनाने पड़ेंगे। तो अभी हम सबसे पहले एक हम कंपनी क्रिएट करेंगे अपने लिए, जिसमें हम सारे ट्रांजेक्शन को हम पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू एंट्री का ऑप्शन आ रहा है। जब आप न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे, तो देखो एक विंडो खुल गया, डिटेल्स एडेड एंट्रीज, न्यू एंट्रीज आ गया। अब यहाँ पे हमको डिटेल्स एड करना है, हमें कंपनी को सबसे पहले कंपनी कोड देना होगा। तो सपोज मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ, आई फर्स्ट ट्राई, अगर ये कंपनी इसमें अवेलेबल ना हो, अनु और कंपनी नेम अनु इंडिया लिमिटेड, मैंने कंपनी नाम डाल दिया है,
स्ट्रीट डाल दो, सपोज मैं 110092 स्ट्रीट पोस्ट ऑफिस 110092, ये मैं जस्ट ये फॉर्म है जनरली जैसा आप फिल करते हो, तो मैं सेम एडिटर इससे डाल रहा हूँ जिससे चीज़ें जल्दी हो जाए। कंट्री देखो, ये कंट्री इंडिया है तो इंडिया के लिए IN होता है। आप यहाँ से बॉक्स में भी जाके आप चेक कर सकते हो, बॉक्स में आप चेक करोगे तो यहाँ पे हर एक कंट्री का बहुत सारे हर एक कंट्री वाइज कंट्री कोड आगा, तो आपको इंडिया का सर्च करना है तो यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन है। जब आप फाइंड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इंडिया लिखोगे तो ये आपको इंडिया का टी कोड दिखा दिया, इसमें IN। आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे IN आ चुका है। लैंग्वेज की हमें इंग्लिश चाहिए तो आप EN भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप बॉक्स में भी जा सकते हो। करेंसी इंडिया में INR चलती है तो हमारे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट INRs में बनेंगे, तो यहाँ पे मैं INR सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको किसी और करेंसी में बनानी होगी तो आप इस पर आप क्लिक करो एंड क्लिक करके यहाँ से आप सर्च कर सकते हो जो भी आपको करेंसी चाहिए। आपको जैसे डॉलर चाहिए तो आप यहाँ से आप डॉलर सेलेक्ट कर सकते हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर, सारे डॉलर आ जाएंगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे INR में बनाना है तो मैंने INR को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो सेव दे रखा है, कंट्रोल प्लस F से भी सेव हो सकता है या फिर आप माउस को आप यहाँ पे क्लिक करके भी आप सेव कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सेव किया है। अब देखो ये एक पॉपअप आया, इस पॉपअप में होता क्या है, टेबल नंबर बता रहा है कि किस टेबल में मेरा डाटा सेव हो रहा है एंड इसका ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट नंबर है। तो ये मैं एक न्यू ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ न्यू कंपनी या अनलिमिटेड सिप डाल देता हूँ, बार बार कंपनी चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एंड मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ने चेंज हो गया जिससे मुझे मालूम चल जाएगा कि मैंने क्या यूज किया था। अब मैंने सेव कर दिया, देखो यहाँ डाटा वाज सेव लिख के आ रहा होगा, तो यहाँ पे मेरी कंपनी डिटेल सेव हो चुकी है। तो हमने फर्स्ट टी कोड सक्सेसफुली चला लिया है। अब डिफाइन कंपनी कोड, अब हमने कंपनी क्रिएट किया तो इसके लिए कंपनी कोड भी बनाना है। तो अब हम कंपनी कोड को क्रिएट करने के लिए सेम वही तरीका है, आप यहाँ से डिफिनीशन में आप जाके और इस तरीके से कर सकते हो या फिर आप OX02 से भी कर सकते हो। तो मैं OX02 से करूँगा। अब तो OX02 करने के लिए देखो पहले हम N करेंगे तो क्या होगा, ये मेन मिड हो पाएगा। अब आप यहाँ पे OX02 प्रेस करोगे तो ये चला जाएगा, बट अब मैं मेन विंडो पे आके फिर वहाँ जाऊँगा, इसलिए मैंने सेम क्या किया है, मैंने पहले जब मैं करूँगा तो यहाँ पे मैं स्लैश डालूंगा, यहाँ पे मैंने स्लैश कर दिया बैक स्लैश प्लस N यहीं पे मैंने डाल दिया और OX02 डाल दिया कि मुझे डायरेक्टली उसी विंडो पे लेके जाए, मुझे बार बार बैक ना जाना पड़े, इसलिए मैंने N को यूज किया। अब यहाँ पे एक मैं न्यू एंट्री करूँगा, मैं कंपनी कोड क्या डालूंगा, 4 डिजिट का हो सकता है कंपनी कोड और अनु भी 4 डिजिट का ही है, तो आराम से मेरा कंपनी कोड भी बन जाएगा। और यहाँ पे मैं कंपनी नेम अनु इंडिया लिमिटेड मैंने डाल दिया, सिटी न्यू दिल्ली डाल देता हूँ, कंट्री इंडिया तो IN, करेंसी INR, लैंग्वेज EN। फिर से आप इसको सेव करो। अब आपके पास एक विंडो खुल गई, इसमें आपको कंपनी के सारे डिटेल्स फिल करने होंगे कि कंपनी फॉर्म में है क्या है। मैंने कंपनी डाल दिया, नेम अनु इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और जो कुछ रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो मैं डाल देता हूँ IN। यहाँ रीजनल सेंटर आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका रीजनल है क्या। यहाँ पे आप सर्च कर लो दिल्ली का क्या है, दिल्ली DELHY। अगर मैं दिल्ली लिख के सर्च किया तो 30 आ गया, तो दिल्ली का रीजनल कोड 30 है। इसके अलावा और कोई डाटा मैं सेव नहीं करके देखता हूँ ये लेता है या नहीं, इसने ले लिया है तो मैंने सेव कर दिया, बिकॉज मैं ज़्यादा फॉर्म फिल करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये मेरा सेकंड भी हो चुका है। अब मैंने कंपनी भी क्रिएट कर ली है एंड उसको मैं कंपनी कोड भी मैंने साइन कर दिया। देखो हमेशा यहाँ पे कंपनी कोड को साइन करना पड़ेगा तभी आपकी चीज़ें कनेक्ट होगी, मतलब जब भी हम कोई न्यू ट्रांजेक्शन न्यू एंट्री करेंगे तो उसको हम कंपनी से अपने लिंक करेंगे और कंपनी से लिंक करने के लिए हमें कंपनी कोड को यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बार बार कंपनी कोड यूज करूँगा पूरे ट्रांजेक्शन में। जब भी मैं कोई न्यू एंट्री पोस्ट करूँगा तो एंट्री पोस्ट करने के बाद मुझे उस कंपनी के साथ उसे लिंक करना पड़ेगा। तो सेकेंड लाइक दिस मैंने क्या कर दिया, कंपनी क्रिएट कर लिया, उसको डिफाइन कर दिया, असाइन कंपनी कोड। तो अब हम असाइन करेंगे कंपनी कोड टू कंपनी। अभी हमने कंपनी कोड तो क्रिएट कर लिया और हमने पहले कंपनी बनाया था, अब हम असाइन करेंगे इस कंपनी कोड को इसी कंपनी को।
तो वो एक 16 करना पड़ेगा हमें। तो फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने स्लैश इन किया एंड ओ एक्स 16 को मैंने यहाँ इंटर किया। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज आ गई। अब मैं यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करूँगा एंड मैं अपनी कंपनी को सर्च करूँगा। मैंने कंपनी क्या बनाया था, अनु। यहाँ पे आप देख सकते हो अनु आ चुका है एंड यहाँ पे न्यू दिल्ली भी आ चुकी है। अब मैं इसे कोड दे दूंगा जो मैंने बनाया था, कंपनी कोड मैंने अनु ही बनाया था एंड मैं इसको सेव कर दूंगा एंड ये सेव हो गया। यानी अब हमने कंपनी बना लिया, कंपनी कोड बना लिया, कंपनी एंड कंपनी कोड को लिंक कर दिया कि अब हम इसे कहीं भी सर्च करें तो हमें मिल जाए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डिफाइन बिजनेस एरिया। ये डिफाइन बिजनेस एरिया क्या होता है, देखो आपके पास अगर मोर देन वन लोकेशन है तो आप अपने बिजनेस वर्टिकल वाइज, सपोज आपका एक फैक्ट्री है और एक आपका किरासन का दुकान है, तो आप दोनों को अलग अलग बिजनेस वर्टिकल वाइज आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। OX03 ये हम क्रिएट नहीं करेंगे एंड OX03। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कितने सारे बना रखे हैं ऑलरेडी, प्रीत बिहार, नागला, नोएडा, न्यू दिल्ली, गेमर्स, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी बिजनेस एरिया वाइज क्रिएट कर रखे हैं। तो आप यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करके भी आप बना सकते हो। जस्ट आप अपना बिजनेस एरिया का नाम लिखो और बगल में डिस्क्रिप्शन डाल दो, आप क्या आपकी हेड ऑफिस है, ब्रांच है या क्या है, आप उससे आप इसको क्रिएट कर सकते हो। जब आप एंट्री पोस्ट करोगे ना वहाँ पे ये चीज आपको हेल्प करेगी। सपोज मान लो मेरे खर्चा है, मैंने उस खर्चा की जब एक्सपेंसेस की मैंने पोस्टिंग की तो मेरे पास दो ब्रांच है, लेकिन मुझे मालूम है ये जो मैंने एक्सपेंसेस किया वो ब्रांच ए से रिलेटेड है, तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा बिजनेस एरिया ए से रिलेटेड। तो जब मुझे फाइंड आउट करना होगा कि मैंने किस बिजनेस एरिया पे कितना खर्च किया तो वहाँ से वो डाटा मुझे मिल जाएगा, तो उस केस में हमें हेल्प करती है। तो अभी हम एक ही कंपनी बना रहे हैं, हमारा एक ही बिजनेस एरिया है, इसलिए हम बिजनेस एरिया हम क्रिएट नहीं कर रहे, तब उस केस में आप उसको रेफर कर सकते हो। डिफाइन सेगमेंट, सेगमेंट इज डिफाइन एंड सब एरिया ऑफ ए कंपनी विद एक्टिविटी दैट जनरेटेड एक्सपेंसेस रेवेन्यू विद दी। हाँ, ये आपका प्रॉफिट सेंटर हो सकता है। प्रॉफिट सेंटर जहाँ पे कॉस्ट भी इंक्लूड होता है और प्रॉफिट भी होता है, मतलब रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है और कॉस्ट भी जनरेट कर रहा है, तो आप उसके लिए आप अपने सेगमेंट को आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये सेगमेंट भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है हमारे केस में, तो लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ डिफाइन सेगमेंट होता क्या है। इसके लिए मुझे स्पैरो करना पड़ेगा। देखो स्पैरो मैं डायरेक्ट करूँगा तो नहीं जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं हुआ ना। अब मुझे एन करके ही करना पड़ेगा, STRO। अब देखो चला गया SMG रेफरेंस IMG एक्टिविटी। आप यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे जाओ, डिफिनेशन पे जाओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जाओ एंड यहाँ पे आ रहा होगा डिफाइन सेगमेंट, ये रहा डिफाइन सेगमेंट। अब आप इस पे एग्जीक्यूट करो। अब देखो यहाँ पे सेगमेंट आ गया है। अब आप यहाँ पे अपना सेगमेंट बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये सेगमेंट हम नहीं बना रहे हैं बिकॉज चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। यहाँ पे आप न्यू एंट्रीज कर सकते हो, जैसे आपको मैंने बिजनेस एरिया बताया था, बस सेम कोई एक अपना कोड डाल दो अपने सेगमेंट का एंड उसका डिस्क्रिप्शन डाल दो, उसके अकॉर्डिंग आप फिर आप डाटा यहाँ पे क्लिक करके आप सेव कर सकते हो, सेगमेंट क्रिएट हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट ऑलरेडी देख सकते हो आप, कॉपर, क्लोथ, रबर, प्लास्टिक, लोगों ने अपने अपने बिजनेस एरिया वाइज सेगमेंट बना रखे हैं। तो ये सारी चीजें, अगर आपको इनके बारे में डिटेल्स पढ़ना है तो आपको गूगल पे मिल जाएगा इनके बारे में। अगर आप ट्यूटोरियल पढ़ना चाहते हैं तो आपको गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा। तो ये आज हमने स्टडी नोट 1 खत्म कर लिया है, ये बेसिक सा स्टडी नोट था। आज हमने अपना कंपनी कोड क्रिएट किया, अपना कंपनी क्रिएट किया, कंपनी को कंपनी कोड के साथ हमने साइन कर दिया। तो नेक्स्ट हमारा स्टडी नोट है ग्लोबल सेटिंग फॉर कंपनी कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी चीज़ें यहीं पे कवर होगी। तो होप तो आपको पहला वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लगे हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ कि उन्हें भी इसका एडवांटेज मिले। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और कुछ न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हम चलेंगे, काफ़ी अच्छे से मैं चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, मैं बहुत फास्ट लेके नहीं जा रहा। थैंक्स, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।